शाहिना का किचन में वेलकम। आज मैं खरबूजे का शरबत बनाने जा रहे हैं। यह अभी समूचा है, इसको छीलेंगे काटेंगे तब इसका बनाएंगे शरबत बनाएंगे। काट हिरामा ले रहे हैं, बहुत मुफीद ये होता है। गर्मियों में पेट वगैरह सब ठंडा होता है। इसके बीज को भी मालूम है, खरबूजे का बीज को भी रखा जाता है, इसके जो कि मिलता है मार्केट में, जिसमें हर चीज़ बनाई डाली जाती है। तो हमने छील लिया, काट लिया, काट करके अब इसको मैं मिक्सी जार में देने जा रही हूँ। इसका से डाल के पीसेंगे, उसके बाद से इसको छानेंगे, पानी दिए, अब इसको चलाएंगे। मिक्सी चला लिया, अब इसको छान देंगे, तब इसमें आइस देंगे। चीनी मैं पीस करके रखती हूँ, उससे आसानी होती है, में आसानी होती है। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार, बहुत होता है ये शरबत खरबूजे का। ये गर्मी में मिलता है, पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद है, ठंडा होता है। देखिए ये हम छान रहे हैं, इतना सही निकल रहा है। इसको फिर डाल करके, पानी डाल करके इसको फिर चला देंगे थोड़ा सा, फिर ये और ये हो जाएगा, बारीक हो जाएगा, छना जाएगा। ये देखिए इसमें आप चाहें तो नींबू दे सकती हैं, गोल मिर्च दे सकती हैं, अदरक दे सकती हैं, हम नहीं देते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि दिया जाए। हमने चीनी में छोटी इलायची डाल करके पीस दिया है, ग्राइंड किया, थोड़ा सा छान लेंगे। ये हो गया एकदम से बारीक, थोड़ा सा इसमें और पानी डालेंगे, पानी लेंगे, ये पूरा बारीक पिसा गया। थोड़ा सा खाली गंदगी निकल गई है, देखिए थोड़ा सा गंदगी निकल गया। डालूंगी चीनी, ये तो बहुत मीठा होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चीनी पड़ेगा, आप अपने हिसाब से देंगी। इसके बाद से तब आइस डाल देंगे, आइस डाल के हमने नहीं ग्राइंड किया है, आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकती हैं आइस डाल के। इसमें आइस दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शानदार शरबत। अब मैं इसको गिलास में निढालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितना खूबसूरत कलर आया है हमारे शरबत का। ये देखिए, बताने में समझाने में जो भी गलती हो रही होगी माफ़ करेंगे, नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे, पुराने होंगे लाइक कमेंट शेयर करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम।